शीत युद्ध का आगाज लगभग हो ही गया है। रूस ने अब सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने और 60 अमेरिकी राजनयिकों को वापस अमेरिका भेजने का सोचा है। रूस पहले ही ब्रिटेन में हुए एक पूर्व रूसी जासूस की हत्या की कड़ी निंदा कर चुका है और अब उसी के प्रतिक्रिया देते हुए उसने अमेरिका के खिलाफ ये कड़ा कदम उठाया है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका और रूस की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है और वे एक दूसरे को कभी भी नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के लगभग 58 कर्मचारी और येकातेरिनबर्ग में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के 2 कर्मचारियों को कूटनीतिक गतिविधियों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। और आई जानकारियों के मुताबिक इन 60 राजनयिकों को 5 अप्रैल तक रूस छोड़ना होगा। SCN न्यूज़ की रिपोर्ट।